नमस्कार दोस्तों दोस्तों अब आप उत्तर प्रदेश को एक नए नाम से भी जान सकते हैं। अब आप उत्तर प्रदेश को दलितों का शमशान भी कह सकते हैं, दलितों का शमशान घाट भी कह सकते हैं। दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन पूरा उत्तर प्रदेश दलितों के लाशों पे चढ़ के चलेगा। अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको दलितों की लाश लाश दिखाई देगी। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, डाटा उठा के देख लीजिए, सहारनपुर से लेकर गोरखपुर तक ऐसा कोई दिन बाकी नहीं होगा जिस दिन उत्तर प्रदेश में दलितों की हत्या न की जाती हो, जिस दिन दलितों के बहन बेटियों के साथ गलत करके उन्हें ना मारा जाता हो। दोस्तों उत्तर प्रदेश में तो दलित मानो एक जानवर के समान हो गया है, जिसकी मर्जी करता है वो शिकार करके चला जाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही रामपुर में बाबा साहेब अंबेडकर की मात्र फोटो लगाने को लेकर हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक दलित युवक को गोली मार दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों हमने अभी कल एक वीडियो डाली थी कि अलीगढ़ में गौरव जाटव नाम के एक दलित युवक को कुछ जातिवादी गुंडों ने सरेआम गोली लगाकर उसकी हत्या कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि दलित समाज उस शव को लेकर बिलखता रहा, तड़पता रहा, न्याय की भीख मांगता रहा, लेकिन फिर भी इन्हें थोड़ी सी भी शिकन नहीं आई। लेकिन आज पता चला है कि फिरोजाबाद में आकाश जाटव नाम के एक दलित युवक जो कि मामूली से विवाद पर पुलिस वाले जबरन उसे उठा कर ले जाते हैं और थाने में पीट पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं और एम्बुलेंस में भरकर उसके इलाकों में लाकर फेंक देते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं रह गई, ये जनता का सेवा करने के लिए नहीं रह गई, बल्कि ये सरकार के दलाल और चमचे बनी हुई है। दोस्तों यदि दलित समाज के लोग छोटी सी भी गलती करे, यदि मुसलमान समाज के लोग मामूली सी भी गलती करे तो यह उनका इनकाउंटर कर देते हैं या फिर उन्हें थाने में ले जाकर पीट पीट कर मार देते हैं, लेकिन अपराधी गुंडे माफिया किसी विशेष जाति से ताल्लुक रखते हैं तो उन्हें पकड़ने की वजह ये खुद अपनी खाकी वर्दी में मूतने लगते हैं। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं उत्तर प्रदेश की पुलिस की। दोस्तों ये चिंता का विषय है, सोचने वाली बात है कि कब तक उत्तर प्रदेश का दलित इस तरह की बर्बरता झेलता रहेगा। यदि उत्तर प्रदेश के दलितों को इस सरकार से कोई उम्मीद है तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, ये बहुत बड़े धोखे में हैं। यदि इस सरकार को दलितों की जरा से भी चिंता होती तो कुछ दिनों से दलितों की लगातार हत्या की जा रही है, इनके मंत्री विधायक ने कोई ट्वीट किए हैं और ना ही इस सरकार ने कोई सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दोस्तों दलित समाज के लोगों को अपने दलित नेताओं से भी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि दलितों का वोट लेकर सत्ता की मलाई चाटने वाले ये दलित नेता दलितों के मौत पर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और कुछ नहीं करते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि दलितों को अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। दोस्तों मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के उन तमाम दलितों को कांशीराम साहब की उस बात को याद करना चाहिए और जहन में भी उतार लेना चाहिए, क्योंकि कांशीराम साहब कहते थे कि बैलेट पेपर के साथ साथ बुलेट की भी तैयारी रखो। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम दलितों को कांशीराम साहब के इस बात को, इस विचारधारा को मान लेना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कहते हो?